सशकाल सलाम अदाब, मैं हूं आपके साथ सिमरन हंस और आप देख रहे हैं मुगल बॉलीवुड। गली बॉय में एमसी शेरा को तो सबने देखा होगा। जी हां, सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने प्ले किया था एमसी शेरा का किरदार। जिस फिल्म में हमें रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफें देखने को मिली और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की परफॉर्मेंस की भी करीब उतनी ही तारीफें हुई। उनकी एक्टिंग को सबने बहुत पसंद किया, चाहे वो ऑडियंस हो या फिर क्रिटिक्स। वेल, उसके बाद सिद्धार्थ चतुर्वेदी यानी कि एमसी शेरा को बहुत सारी फिल्में ऑफर हो चुकी हैं, डायरेक्टर्स के फेवरेट बन चुके हैं क्योंकि एक्टिंग स्किल्स इतनी कमाल की हैं। तो अब एक और फिल्म उनके हिस्से में आ चुकी है, यानी कि एक बड़ी फिल्म उनकी झोली में आ चुकी है। और कमाल की बात तो ये है, उस फिल्म में उनकी कोस्टार होने वाली है वन एंड ओनली दीपिका पादुकोण। वेल, दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ चतुर्वेदी के अलावा एक और कोस्टार है जो उनके साथ काम करने वाली है, वो है अनन्या पांडे। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो शकुन बत्रा की आने वाली फिल्म के लिए इन तीनों को साइन कर लिया गया है। अगर हम बात करें इस फिल्म के नाम की तो नाम फिलहाल डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो हमारे सामने आ चुकी है। 12 फरवरी 2021 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। अभी लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिल्म की जो अपडेट्स है वो हम आपको देते रहेंगे। अगर हम फिल्म की रिलीज डेट की ही बात करें तो इसे देखने से हमें पता चलता है कि फिल्म जो है वैलेंटाइंस डे वीक में रिलीज होने वाली है, यानी कि फिल्म रोमांटिक हो सकती है। और अगर हम कास्टिंग के हिसाब के बात करें तो दो लड़कियां हैं और एक लड़का है, यानी कि लव ट्रायंगल भी देखने को मिल सकता है हमें इस फिल्म में। फिल्म में क्या होता है ये तो फिल्म आने के बाद पता चलेगा, लेकिन डायरेक्शन की तरफ से कोई कमी नहीं रहने वाली है क्योंकि शकुन बत्रा जो है पहले बॉलीवुड को एक मैं और एक तू और कपूर एंड सन्स जैसी मूवीज दे चुके हैं। अब देखना ये होगा कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी इस फिल्म में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक भी आने वाली है। दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस को तो हमेशा पसंद भी किया जाता है और अनन्या पांडे भी इन दिनों कम नहीं है। अगर बात करें सिद्धार्थ चतुर्वेदी की तो अब देखना ये होगा, जितना इम्प्रेस उन्होंने गली बॉय में अपनी परफॉर्मेंस के साथ किया था ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को, उतना इंप्रेस वो इस फिल्म में कर पाते हैं या फिर नहीं। आप कितने एक्साइटेड हैं तीनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन देखने के लिए हमें जरूर बताइएगा। और बॉलीवुड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहना भूगल बॉलीवुड। इसी के साथ ही मैं सिमरन हंस अभी से आपके लिए विदा लेती हूँ, मिलूंगी अगली वीडियो में।